सुप्रभात, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आप सभी को एक बार पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रियल, और रविवार का दिन वीकली प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। करते जाएं जी, घुटने प्रयास पूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा नीचे दबा कर रखें। करेंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा सामने, फिर अपनी ओर, फिर सामने। अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से क्रिया को दोहराते जाएं। चेहरे पर लेकिन प्रसन्नता रहे। करिए जी, करिए। अब गोलाकार भी घुमाइए धीरे धीरे, गोल गोल। तीन से चार आवृत्तियाँ क्लॉकवाइज, फिर तीन से चार आवृत्तियाँ एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन घेरा बड़े से बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। क्रिया करते हुए उसका प्रभाव नजर आए। आ जाएंगे वापिस। अब अपने राइट पांव को हल्का सा ऊपर उठा लें और एड़ी को हवा में पंजे को अंदर खींच लें। हाथ का सहारा लेना चाहें ले सकते हैं, अन्यथा अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्ट लगे रुकें, घुटना ना मुड़े बस। जिनको घुटने के दर्द की शिकायत है उनके लिए ये छोटी सी क्रिया रामबाण है जी। आप इसे बैठकर कीजिए, चेयर पर बैठकर कीजिए, लेट कर कीजिए, खड़े होकर कीजिए। धीरे धीरे आराम से एड़ी को आसन पर रखेंगे और इसी क्रिया को करेंगे। बाएं टांग से लेफ्ट पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाना और पंजे को जितना संभव हो सके अंदर खींचना। ऐसा लगे कोई पीछे से पंजे को धक्का दे रहा हो। जब ऐसा आप करते हैं, घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आपको साफ नजर आता है। बिल्कुल उस प्रभाव के साथ जुड़िए। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द, लेकिन रुकिए। धीरे धीरे इसमें रुकने की आप आदत डालिए। इसकी तीन से चार आवृत्तियाँ जब भी समय मिले आपको, दो बार तीन बार पूरे दिन में करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का पुनः विश्राम। अब की बार यही क्रिया दोनों पांव से, दोनों हाथों का, लेकिन अब की बार सहारा लें अपनी थाई के नीचे या घुटने के नीचे, और दोनों एड़ियों को अब की बार एक साथ ऊपर उठाएं और दोनों पंजे पुनः अंदर की ओर। हल्का सा सहारा ले लिया आपने, मुट्ठी बनाकर रख ली, या जैसे आपको कंफर्ट लगे। पुनः ध्यान रहे घुटने थोड़े जरूर उठें और घुटने सीधे रहें। पूरे प्रयास में चेहरे की आकृति ना बिगड़े। जितनी देर रुके, खुश होकर रुके, सहज भाव से रुकने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे पुनः आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, थोड़ा सा सामान्य हो जाए, रिलैक्स। दोनों पाँव को 1 फीट खोलें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ जैसे किताब खोलते हैं बंद करते हैं, करते जाइए जी। जो साधक क्लास के स्टार्ट से ही जुड़ गए, दिवाली के बाद समय से जुड़ना वाकई ईश्वर की विशेष कृपा होती है। आप सब बधाई के पात्र हैं। करिए जी, करिए, पूरे मन से करें, समझ में आ जाए, आंख बंद करके करें।
हर बार कोशिश हो पांव के मुट्ठी एक साथ आसन को टच हो। हर बार कोशिश हो पांव की छोटी उंगली एक साथ आसन पर बाहर की ओर टच हो, ताकि पूरा पांव पर प्रभाव आए। वेरी गुड बेटा, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस पांव में, दूरी सुविधा के हिसाब से अब पांव को चलाएंगे, एक बार लेफ्ट पांव अंदर एक बार राइट पांव अंदर करिए जी। समझ में ना आए आँख खोल कर आपने देखनी चाहिए, करते जाइए मुस्कुराते जाइए। अब दोनों पांव से एक साथ भी करेंगे इसी क्रिया को। बुजुर्ग साथी अगर कोई क्रिया करने में असमर्थ हो, उसकी जगह कोई भी दूसरी सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है जी, आपने करेंगे जी करेंगे, धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों हाथों को क्लैंप करके चक्की चलाएंगे, पंजों को सामने की ओर तानकर कटी भाग को घुमाएंगे, करिए जी करिए। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें जी, छोटी छोटी क्रियाएं पूरे शरीर को मांसपेशियों को वार्म अप करेंगी, ताकि आसन हम फिर बढ़िया से कर पाएंगे। और आज की जो विशेष कक्षा प्राणायाम ध्यान है, उसमें भी हमारा अच्छे से मन लगेगा। विपरीत दिशा से करें इसी क्रिया को रिवर्स, बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें जी। कल पूरा दिन हम त्योहार की भाग दौड़ में, पूजा की तैयारी, पूजा, और उसके बावजूद भी सुबह क्लास से जुड़ना, योग से जुड़ना, केवल और केवल ईश्वर की विशेष कृपा का प्रभाव। करिए जी वापिस आ जाए, थोड़ा विश्राम ले लें, बटरफ्लाई करेंगे अब, थोड़ा विश्राम ले लें पहले, फिर उसके बाद पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और मस्ती के साथ तितली की भांति घुटनों को ऊपर नीचे प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखकर करेंगे जी, रीढ़ अगर झुकी तो समझिए प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। समय हमारा उतना ही लगना है, तो क्यों ना पूरा प्रयास किया जाए, सही तरीके से की जाए। एड़ियों को लगातार खींचिए अपनी ओर और ऐसा महसूस करें कि धीरे धीरे अब मेरा पद्मासन लगना शुरू हो गया है। अब उस पद्मासन में हमने ज़्यादा देर रुकने की क्षमता बढ़ानी है, और ये जो तितली आसन हम कर रहे हैं, इससे तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। करिए जी करिए, खुश होकर करिए, पूरे उत्साह के साथ करिए, पूरी उमंग के साथ करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पुनः पांव को सीधा कर दें, हाथों का स्टैंड बना लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, मुस्कुराते रहें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले अपने राइट लेग को मोड़िए, नाभि के बाईं ओर लेफ्ट साइड में स्थित कीजिए। अब लेफ्ट पांव को मोड़िए, नाभि के राइट साइड में स्थित कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, एक बार फिर से प्रयास पूर्वक कमर को गर्दन को सीधा करें, होठों पर मुस्कान, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बहुत सहजता के साथ धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर हो। कुछ ही पल में
मन की लघु लहरियाँ कम होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, योग के प्रति रुचि विश्वास उत्पन्न होने लगता है। पुनः एक बार अपने भाग्य को सराहें, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता का वंदन करें, जिनकी कृपा से सुबह सवेरे हम प्रतिदिन योग से जुड़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी जुड़े, फेस्टिवल सीजन में भी लगातार हमारी साधना चल रही है। इसी प्रकार प्रभु जीवन पर्यंत ये साधना चलती रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। मन में सब संकल्प करें, बहुत मन से करेंगे साधना आज, बिल्कुल तन्मयता के साथ, जितना संभव होगा आँख बंद करके करेंगे, और हर आसन की पीक पोजीशन में ईश्वर का ध्यान करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, पूरे भाव के साथ, पूरे परिवार के साथ, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर बोलें। भरिए श्वास, और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल दीजिए, दोनों पांव सामने कीजिए, हल्का सा पुनः एक बार विश्राम लीजिए। अब बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, कोशिश कीजिए, बैठ जाएंगे आसन के ऊपर बिना सहारा लिए, सब कोशिश करेंगे जी। फिर से खड़े हो जाएंगे, एक बार फिर से बैठेंगे, पुनः खड़े हो जाएंगे, एक बार फिर से बैठेंगे जी, अंतिम बार, और फिर से खड़े हो जाएंगे, सभी करेंगे जी। वेरी गुड, रिलैक्स हो जाए, फिर से थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास, दोनों हाथ सामने करें और अपने उंगलियों को जैसे पंजा बनाते हैं इस प्रकार से अपने उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। उंगलियों के जो जोड़ होते हैं उनको आपने प्रभावित करना है। कल दिवाली पर बहुत सारे मैसेजेज आए होंगे आप लोगों के पास, पूरा दिन उनको जवाब देते देते उंगलियां भी हमारी काफ़ी दर्द करने लग जाती हैं, तो उनको भी हमने प्रभावित करना है। चलिए जी, अब मुट्ठी बंद करेंगे अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को खोलेंगे, फिर से अंगूठा मुट्ठी के अंदर, फिर खोलेंगे। करिए जी, मुट्ठी बंद करें तब भी कस के बंद करें, और जब हाथ खोलें तब भी ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। करिए जी, वेरी गुड।
अब केवल कलाई का उपयोग करते हुए पांच उंगली मिलाकर जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे करेंगे। अब पांच उंगली मिलाकर ऊंचाई कंधे के समान अब नीचे की ओर करेंगे। कलाई का उपयोग करते हुए हथेली का रुख अपनी ओर हो जाएगा। फिर से ऊपर की ओर, सामने, फिर नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अब इसी क्रिया को बाहर की ओर करेंगे, फिर अंदर की ओर करेंगे, फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब हथेली का रुख आकाश की ओर करेंगे और पांच उंगलियां मिलाकर अपने कंधे पर रखेंगे, फिर खोलेंगे, फिर कंधे पर रखेंगे। करिए करिए करिए, करते जाइए अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रियल आज हमारे साथ इस विशेष कक्षा में जुड़ी हुई हैं। करते जाइए, अब अपने पांच उंगलियों को कंधों पर रखें और अपनी कोहनियों को घुमाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड। कोहनी का रुख एक बार आकाश की ओर हो जाए, कोशिश करनी है आपने। अब विपरीत दिशा से करेंगे इसी क्रिया को रिवर्स। बहुत बढ़िया, चेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव। कंधे कभी भी स्टिफ नहीं होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें। रिलैक्स, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, मुस्कुराते रहें। आइए एक बैलेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। अपने दोनों हाथ जैसे आपको कंफर्ट लगे रखें और अपने राइट पांव को आगे से उठाकर धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। हाथों को अपने साइड में रख सकते हैं। बुजुर्ग साथी दीवार के निकट खड़े होकर करेंगे, कोई क्रिया ना हो उसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब विपरीत दिशा से करेंगे। जितनी ज़्यादा हमारी बैलेंसिंग एक्टिविटी बढ़िया होगी, उतना समझिए कि हम जो है यंग हैं, उतने आसन हमारे बढ़िया होंगे, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया होगी। धीरे धीरे वापस आए, इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। अब लेफ्ट पांव को सामने उठाकर घुटने को सीधा रखकर गोल गोल घुमाना। देखने में सरल क्रिया लग रही है, लेकिन नए साधक अगर जब इसका अभ्यास करते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास होने के बाद कुछ ही दिनों में हम बड़े आराम से करने लगते हैं। विपरीत दिशा से कीजिए रिवर्स। योग प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया है। फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप निरंतरता दिखाएंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम, रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। चलिए जी, एक आसन थोड़ा मुश्किल वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आइए वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। जो वृक्ष आसन का अभ्यास ना कर पाए वो ताड़ासन का अभ्यास कर लेंगे जी। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल सहज भाव से करने का प्रयास करेंगे। लीजिए जी स्थिति, दोनों पांव, एक आध इंच का फासला। पहले अपने राइट पांव को मोड़कर एड़ी को अपने बाईं जंघामूल पर लगा लीजिए। पंजा आपका घुटने की ओर हो जाएगा। अब बैलेंस बन गया पहले। अब दोनों हाथ साइड से बगल से लेकर चलें आकाश की ओर और सामने किसी भी चीज पर, ये आसन आँख खोल कर करें, सामने किसी भी चीज पर कंसंट्रेट कर लें। कोशिश करें कलाई मिली रहे, कलाई के निकट जो हथेली है वो मिली रहे मेरी। गलती इसमें यही होती है कि हथेली हमारी खुल जाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया।
देखिए प्रियल हमारे साथ है, कितने आराम से, कितनी सहजता से ताड़ासन के सारे लाभ, साथ में एकाग्रता, फोकस। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे तानते हुए, तत्पश्चात पांव भी नीचे, आंख बंद करके हल्का सा विश्राम बिल्कुल सहज हो जाए। आइए अब इसी को दूसरी ओर से करेंगे, मन मनाए, लेफ्ट पांव को मोड़िए, पहले बैलेंस बनाइए, जब पूरी तरह बैलेंस बन जाए साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। वृक्षासन की स्थिति खिंचाव ताड़ासन की तरह बना रहे, सामान्य श्वास लेते रहें छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर। आप भी प्रयास कीजिए जी, जितना संभव हो सके। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से पहले भुजाओं को तानते हुए वापस लेकर आइए, फिर पांव भी नीचे, रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य हो जाए। थोड़ा सा हाथों को पांव को खोलिए, बंद करिए। इस शुरू में जो आपको 15 से 20 मिनट हम प्रतिदिन जो चीजें करवा रहे हैं इनका बहुत ज्यादा महत्व है। ये करने के बाद आप आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत सहज होते हैं, बढ़िया होते हैं। और किसी दिन आप इसके बगैर कीजिए, आपको मज़ा नहीं आएगा, मुश्किल लगेंगी चीज़ें। चलिए जी वापस आ जाएं, रिलैक्स, 5 बार उठक बैठक बिना रुके करेंगे। चलिए जी शुरू करें, 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5। अब रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे अब की बार, वापिस। चलिए जी रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब पूरी तरह तैयार हैं हम लोग बढ़िया से सूर्य नमस्कार करने के लिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाए, अब एड़ी मिला लें, पंजों को खोल लें वी शेप में, दोनों हाथ शरीर के साथ। नए साथी जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई क्रिया ना हो पाए उससे पहले वाली या बाद वाली क्रिया में रुकें। जो पहली बार जुड़े हों केवल देखें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, सभी आँखें कोमलता से बंद रखें, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, मंद मंद मुस्कान होठों पर। ओम मित्राय नमः, श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, खींचेंगे अब की बार, कलाई को सीधा रखकर अधिक से अधिक खींचिए और हल्का सा अपने कंधों का, गर्दन का दबाव पीछे की ओर बनाइए, थोड़ा आर्क बनाने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, चेस्ट हमारी आगे की ओर आ जाए। करिए करिए, रुकिए विशुद्धि चक्कर पर, बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर बेंड कीजिए, साथ साथ नाभि को धीरे धीरे अंदर की ओर सिकोड़िए। और कोशिश करें कि मेरी उंगलियां छुए, जिनकी उंगलियां लगे कोशिश करें आधी हथेली छुए, उसके बाद पूरी हथेली भी लगाने की कोशिश करें। लेकिन सभी को पता है घुटना हमारा बिल्कुल सीधा रहे। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात इस क्रिया में घुटने को सीधा रखना। दोनों हथेलियाँ आसन पर, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, जितना संभव हो सके पांव पीछे की ओर जाए।
घुटना आसन को ना छुए लेकिन हल्का मुड़ जाए कोई बात नहीं। नए साथी घुटने को आसन पर छू भी सकते हैं। हल्की सी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, दूसरी टांग भी पीछे। अब यहां पर घुटने सीधे हो जाएं, वो तभी होंगे जब आप एड़ियों के ऊपर वजन डालेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरी एड़ियां आसन को छुएं, कोशिश करेंगे। ठुड्डी कंठकुब में है, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकना, यही आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर बिल्कुल स्केल की भांति एक सीध में आ जाए, पूरे शरीर का वजन हथेलियों पर आए और पंजों पर आए, बस इसमें हम आपको ज़्यादा नहीं रुक पाते, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा देर रुकने का प्रयास किया कीजिए। अष्टांग प्रणाम, पहले लगाएंगे घुटने, फिर उसके बाद वक्षस्थल, अंत में माथा। कोशिश करेंगे हल्का सा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ने का। माँ धरा की गोद में कितना सुकून, कितना आनंद, अनाहत चक्र प्रभाव में है, तनाव से कोसों दूर, बहुत ही बढ़िया स्थिति। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़को उठाएंगे, पीछे से पांव की स्थिति में जरा सा भी चेंज ना आए, जितना संभव हो उतना करें, लेकिन जो चीज आपको विशेष तौर पर बताई जाती है उस पर आपने ज्यादा ध्यान देना है। कमर को आपने धीरे धीरे अधिक से अधिक मोड़ना है और गर्दन को भी धीरे धीरे अधिकाधिक पीछे की ओर लेके जाना है, लेकिन ये प्रयास करते हुए घुटना नहीं खुलना चाहिए, पांव के पंजे नहीं खुलने चाहिए। असंख्य मांसपेशियां मेरे पेड़ों की प्रभाव में है, खिंचाव में है, रीढ़ के सारे दोष समाप्त होते हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान, श्वास भरते हुए पीछे से धड़को उठाएंगे, आराम आराम से उठाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने। पुनः एक बार एड़ियों का प्रेशर आसन पर, फिर से कोशिश कीजिए शरीर की शेप वी आकार में हो। जैसे ही एड़ियां आसन पर आपकी छुएंगी, आप चेक करेंगे घुटने स्वतः ही सीधे मिलेंगे, आपको स्वतः ही सीधे हो जाएंगे। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं, क्योंकि ठुड्डी कंठकूप में है, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर हो रही है जी। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे लेकर आएंगे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक ही बार में प्रियल का पंजा दोनों थैलियों के मध्य में, 15 उंगलियां पुनः एक सीध में आ गई, चेहरे पर प्रसन्नता है। आप भी प्रसन्न होकर कीजिए, बंद आंखों में कीजिए। दूसरी टांग भी ले आइए, पुनः एक बार पेट को अंदर की ओर थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा सा कमर को और मोड़ने का प्रयास कीजिए। टारगेट बनाइए, इस सर्दी के मौसम में हमने पूरी हथेली आसन पर लगानी है, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। आप लगातार जुड़े हुए हैं, बस एक बार ठानने की बात है। थोड़ा सा भोजन पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, प्रतिदिन जुड़े, मुझे पूरा विश्वास है पूरी हथेली आपकी लगेगी। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, आराम आराम से तानते हुए खींचेंगे ऊपर से ऊपर, हल्का सा प्रेशर पीछे की ओर बनाएंगे।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही मन से इतनी सुंदर साधना आपको करके दिखाई जा रही है। मुस्कुराते हुए आ जाएं अंतिम स्थिति में सूर्य नमस्कार की प्रणाम मुद्रा। जब पूरी ईमानदारी से करते हैं, अच्छे से खींच के करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस कीजिए और भगवान सूर्य का मन ही मन धन्यवाद कीजिए। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, कोशिश करें बगैर आँख खोले ही हम अंदाज से अपने आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। अब अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब कोई भी हिलडुल नहीं हो, क्योंकि आपने 12 आसन किए हैं। 12 आसन के बाद थकावट हो जाती है, इसीलिए आपको हमेशा सूर्य नमस्कार के बाद कुछ देर के लिए शवासन करवाया जाता है। हर आसन के बाद भी आपको विश्राम दिया जाता है, ताकि थकान बिल्कुल ना हो और हर आसन आप और बढ़िया कर पाए, रुक कर कर पाए। ऐसा महसूस करें कि मेरे सभी अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब से योग से जुड़े हैं, जैसे जीवन ही बदल गया, जीने का मजा आने लगा, पारिवारिक माहौल भी बहुत ही बढ़िया हो गया। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, तानते हुए केवल हाथों को आगे लेकर आएं, पीछे लेकर जाएं, केवल हाथों की मूवमेंट करें। श्वास छोड़ते हुए आगे आएं, श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएं, पंजे तान कर रखें जी, केवल हाथ की मूवमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, हर क्रिया को आप खुश होकर करिए। कई बार हम सोचते हैं कि ये आसन रह गया, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं। जब क्लास से जुड़े, पूरे विश्वास के साथ जुड़े, जो चीज़ करवाई जा रही है कोशिश जरूर करें। अपनी व्यक्तिगत साधना में आप अपनी जो भी चीज़ें छूट गई हों उनको कीजिए, वापस आ जाएं। अब इसी प्रकार हाथों को पीछे रखें, हल्का सा सहज हो जाएं। अब केवल पांव को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे, नीचे लेकर आएंगे 90 पर, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से। कोशिश करें पांव पटकने की आवाज़ ना आए, इतना कंट्रोल जरूर रखना है जी आपने। अगर पांव पटकने की आवाज़ आ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि आप ना करें, केवल 1 इंच उठाएं, 2 इंच उठाएं। करेंगे जी, और ध्यान को अपने नाभि पर लेकर जाइए। आंखें बंद है। चलिए जी, आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से हल्का विश्राम। विश्राम बोलते ही पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, हाथ दाएं बाएं वहीं पर ढीले पड़ जाएं, रिलैक्स एकदम। अब हाथों को पांव को बिना फिर से तानेंगे, और अब की बार मध्य भाग को उठाएंगे, बीच में से अपनी कमर को, हिप्स को उठाएंगे, नीचे रखेंगे, उठाएंगे, नीचे रखेंगे। कोशिश करें जितना संभव हो सके उतना उठाएं, अपने कंधे का सहारा लें, पीछे हाथ का सहारा लें, एड़ी का सहारा लें। करिए जी, करिए, कोशिश कीजिए सभी हिप्स को जरूर उठा पाएं जी। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, 5 से 7 बार जरूर करें जी। बहुत बढ़िया बेटा प्रियल, चलिए वापस आ जाएं, हल्का यहीं पर विश्राम।
अब इसके बाद यहीं पर इसी प्रकार ये रहेंगे, एड़ी को पंजे को फिर से एक बार पंजे को भुजाओं को तानेंगे। अब आपने लेफ्ट साइड में हल्की सी अपने राइट साइड का हिप्स उठा के लेफ्ट में जाएं, फिर लेफ्ट का उठाकर राइट में आए, इस प्रकार से मूवमेंट करें। लेकिन घुटना नहीं मोड़ना जी, थोड़ा होता है थोड़ा करें, ज़्यादा होता है ज़्यादा करें। भुजाओं को खींच के रखना है, कोहनियों को सीधा रखना है। करिए करिए करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी वापस आ जाएं, रिलैक्स, पुनः विश्राम, सामान्य श्वास। हाथों को आगे ले लें, यहीं से साइड की करवट लेकर पेट के बल आ जाएं जी। आज हम कोशिश करें आसन हमारे 45 मिनट्स तक ही हो जाए, उसके बाद प्राणायाम ध्यान पर ज़्यादा समय लगाएं, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी रहेगा। आप वाकई बधाई के पात्र हैं जो दिवाली से अगले दिन सुबह सवेरे फिर से आप जुड़े हैं। चलिए जी यहाँ पर कुछ पेट के आसन करते हैं, पेट को प्रभावित करने वाली क्रिया करते हैं। अब ये भी एक नया आसन करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल लगेगा लेकिन आप कर पाएंगे। अपने हाथों को आगे साइड में कर लें, जैसे अभी हमने उठाया था अपने कमर को, ऐसे ही अपनी कोहनी के साथ और पंजे के साथ इस प्रकार से उठेंगे बीच में से। जैसे हाथ की स्थिति करनी हो आगे, या तो हाथों को आगे लेकर के, हाँ ऐसे, ये देखिए, वेरी गुड। अपने हाथों को आपस में जोड़ लीजिए और कोहनियों पंजे के बल अपने पूरे शरीर को घुटने को उठाइए जी। केवल कोहनियां आसन पर हैं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप है। रुकिए 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 रुकिए, आएंगे वापस एक बार, थोड़ा सा सहज होकर पुनः एक बार इसका अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को एक बार आपस में जोड़, थोड़ा विराम ले लें। जो तीसरी तरह का शिथिलासन होता है, अपने बाएं कान को या दाएं कान को अपनी हथेली के पास, हथेली के ऊपर तकिया बना लें और रिलैक्स हो जाएं। ये थोड़ा नया आसन था, नाम मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, दंडासन, दंडासन बोलते हैं इसको। चलिए जी एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास, मन बनाएंगे, एक बार देख लेंगे, अगर समझ में ना आए प्रियल को, आपने अपने पंजों के बल, देखिए पंजे आपके खड़े हो गए, पंजों के ऊपर आपके शरीर का वजन, और आगे से देखिए कोहनियों को, और इस प्रकार से मध्य भाग आपने उठाना है। देखने में बड़ा सरल लग रहा है लेकिन मुश्किल है जी, और आप तो प्रतिदिन जुड़े हुए हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे समय बढ़ाना है जी आप लोगों ने, धीरे धीरे आ जाए वापस, फिर से एक बार शिथिलासन कर लें, जैसे अभी किया था उसी प्रकार से शिथिलासन कर लें। पंजे बाहर की ओर हों, एड़ियां अंदर की ओर हों, गर्दन को बाईं ओर या दाईं ओर अपनी सुविधा के हिसाब से अपने बाईं दाईं हथेली के ऊपर रखें। मुस्कुराते रहें, खुश रहें। चलिए जी अब करेंगे, अभी हमने बीच में से उठाया, हाथ पांव हमारे नीचे थे और बीच में से धड़ उठा, अब हम इसका विपरीत करेंगे। धड़ बीच में हमारा आसन पर रहेगा, हाथ पांव उठेंगे, नौकासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आगे ले लें, अब की बार माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर अपनी सुविधा के हिसाब से, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, पीछे से दोनों पांव जगाव सहित उठा दें। कोशिश करें पेड़ों के ऊपर अब वजन आए, भुजा कान के साथ, कलाई सीधी, और पुनः सहज भाव से रुक जाएं।
हाथ खुले रहेंगे, कंधों के समान चौड़े रहेंगे, लेकिन पांव मिले रहेंगे, एड़ी भी घुटने भी। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार शिथिलासन जैसे भी किया था उसी प्रकार गर्दन को दूसरी ओर करके शिथिलासन ले लें। कोई भी आसन, कोई भी क्रिया आपने चढ़े हुए श्वास में नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी। एक बार फिर से मन बनाएंगे, लेंगे इसी प्रकार स्थिति। अब की बार दोनों हाथों को क्लैंप करके अपनी गर्दन के पीछे रख लीजिए। पुनः मन मनाएंगे और मस्त पूरे उत्साह के साथ श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव पुनः उठा दें और कोहनियों को एक लाइन में कर दें। कोहनी नीचे ना लटके जी, इस बात की कोशिश करें। हथेली का प्रेशर गर्दन पर, गर्दन का प्रेशर हथेली पर, रिवर्स प्रेशर होना चाहिए। पुनः सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, शरीर में लचीलापन है तो आप यंग हैं, जवान हैं, और अगर स्टिफनेस है तो बुढ़ापा है, एज का कोई फर्क नहीं है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार शिथिलासन कंफर्ट के हिसाब से ले लीजिए। अगर आप सोचें हम 25 साल के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, यंग हैं, लेकिन बॉडी हमारी इतनी स्टिफ है कि हम उठक बैठक नहीं कर सकते, नीचे हम सुखासन में नहीं बैठ सकते, तो नहीं लगता कि एज भले ही हो आपकी जवानी वाली, लेकिन यंग नहीं है जी हम। लेकिन अगर आपका शरीर लचीला है, सारे आसन बढ़िया हो रहे हैं, रुक पा रहे हैं आप, तो फिर आप 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, लेकिन वाकई आप पूरी तरह यंग हैं। और योग से बढ़िया आपको यंग बनाए रखने के लिए कोई माध्यम नहीं। आइए एक पूरा जोश वाला आसन करेंगे अब की बार, इसी नौकासन को पूरी मस्ती के साथ। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनी शरीर के साथ चिपकी हुई, नौका चलाएंगे जी अब की बार, लेकिन क्षमता का ध्यान में रखकर, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि मेरे साथ ही आपने पूरी देर तक करना ही करना है। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव और आगे हाथों को स्विमिंग की तरह चलाएं और हिचकोले लीजिए। सभी साधक साधिकाएं कोशिश करें 10 से 12 भर्तियां जरूर कर पाए, कोशिश करें जी। आप दिवाली से अगले दिन देखिए जुड़ गए हैं, तो वाकई ईश्वर की कृपा है, बिल्कुल कर पाएंगे आप। शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जी आवृत्ति को पूरा करके पीठ के बल आ जाए, विश्राम ले लें, रिलैक्स, एकदम अपने आप को ढीला छोड़ दें। मौसम अब बदल रहा है, जो लोग बालकनी में कर रहे हों जरूर गर्म कपड़ों का ध्यान रखें, अपने पास रखें, जब जरूरत हो जरूर आप गर्म कपड़े पहने। अंदर भी अगर आप कर रहे हों, एक आध कोई खिड़की वगैरह जरूर खोल कर रखें। बहुत ही बढ़िया, आपने देखिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, पेट के आसन किए। सुबह अगर 1-1.25 घंटे की साधना आपने अगर बढ़िया से हो जाती है, प्राणायाम हो जाते हैं, पूरा दिन इतने खुश रहते हैं हम, लगता है कि हमने अपनी जो मेन इन्वेस्टमेंट थी वो हम कर चुके ना, फिर गुस्सा आता ना, कोई परेशानी होती। और हर काम में जब मन लगता है तो और भी अच्छे होते हैं काम। चलिए जी मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, सिंपल वाला मरकट आसन का अभ्यास करेंगे।
दोनों हाथ, पहले दोनों पांव मोड़ लीजिए, एड़ियों को शरीर के निकट लेकर आइए और दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए। हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। अब दोनों घुटनों को श्वास भरते हुए अपने राइट साइड में ले चलें, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में हो, ये दोनों क्रिया साथ साथ हों। अब यहाँ पर घुटने के ऊपर घुटने को दबाना है अपने। कई बार हम क्या करते हैं, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। मजा तभी है जब जितनी देर आप रुकें उतनी देर जैसे दोनों घुटने चिपक गए हों, दोनों एड़ियां चिपक गई हों और भुजाएं लगातार खिंची हुई हों। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। पांच उंगली मिलाइए जी, कुछ साधकों की उंगली अंगूठे अलग हो गए हैं, उंगली अंगूठे मिलाकर आपने भुजाओं को खींचना है। रुकें जी, रुकें। बहुत शानदार बेटा। पूर्ण स्थिति में जब रुकें, वहां पर अगर हिलडुल नहीं है, अगर वहां पर सहजता है, तो समझिए हमारी साधना बहुत बढ़िया चल रही है। सभी के पास घर पर आजकल मोबाइल हैं, स्मार्ट मोबाइल हैं, कभी कभार अपनी वीडियो बनाइए, खुद ही बच्चों को बोलकर बनवाइए और फिर उसको आप देखिए। कई बार हमें खुद को लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, सहज भाव से, सिमिट्री के साथ, हल्का सा अपने पांव की स्थिति को निकट कर लें, एड़ियों को ठीक कर लें और पुनः मन मनाएंगे और मुस्कुराते हुए दोनों घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, साथ साथ गर्दन ले चलें राइट साइड में। पुनः कोशिश करें घुटने के ऊपर घुटना जी। आपने ये तो सोचना ही नहीं कि नहीं हो पा रहा, बस मन बनाइए कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं और फिर उसके बाद प्रयास कीजिए, सही करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें जितनी देर रुके भुजाओं को खींचने का विशेष महत्व है। कुछ साधक सोचते हैं थोड़ी देर तो हमने पहले तो खींच दिया, लेकिन बाद में फिर हम उसको हल्का सा रिलैक्स छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना जी। एक मिनट अगर हम रुक रहे हैं तो पहली सेकंड से लेके 60वीं सेकंड तक लगातार मेरी स्थिति पूर्ण होनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए जब पूर्ण स्थिति में है आप। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से दो बार अपने आप कर लें, बिना रुके कर लें, रोकना नहीं है, आज का आखिरी आसन है ये, अपने आप से करें बिना रुके। पीक पोजीशन पर जाना, फिर वापस आना, गर्दन का साथ साथ मूवमेंट होना चाहिए। आवृत्ति पूरी होने पर दोनों पांव सीधे कर दें, हाथों को आगे लेकर शरीर से थोड़ा सा हटा कर रखें। अब उंगलियों को ढीला छोड़ दें, पंजों को ढीला छोड़ दें, अब बिल्कुल शिथिल कर दें जी, और मुस्कुराते हुए अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें, देखें अपने मन की आंखों से। सभी अंगों को हमने समय दिया, सभी अंग प्रसन्न हैं, झूम रहे हैं खुशी से। जैसे घर में बच्चों को
अगर हम उसकी च्वाइस का कोई काम करें, उसके साथ खेलें, उसको कहीं घुमाने लेकर जाएं, तो बच्चे भी फिर जो भी काम हम बोलते हैं बड़े खुश होकर करते हैं, बिना थके बिना रुके करते हैं, कहना मानते हैं। इसी प्रकार आपने सुबह सवेरे 1 घंटा अपने शरीर को देना है, श्वासों पर देना है, मुस्कुराते रहें, कितने भाग्यशाली हैं हम। बस प्रभु, ये आपका साथ आशीर्वाद सदैव बना रहे, ये सद्बुद्धि जीवन पर्यंत बनी रहे कि मेरे लिए योग से बढ़िया, योग से ज़्यादा प्रायोरिटी की कोई चीज़ नहीं है मेरे जीवन में। सब चीज़ें बाद में, सबसे पहली चीज़ योग। 1 घंटा मैंने योग के लिए अवश्य अवश्य निकालना है प्रभु, ऐसा बस आप आशीर्वाद दीजिए। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में, कल भी जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके वज्रासन में बैठ जाए जी। जो वज्रासन में ना बैठ सके अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाए। बहुत ही बढ़िया आपने आसन किए, बहुत शानदार। प्रिय लाज हमारे साथ एक बार पुनः, इतनी बढ़िया साधना, एफिशिएंसी क्लास हो, नॉर्मल क्लास हो, ध्यान की क्लास हो, हमेशा पूरे मन के साथ। तो आइए प्रियल के साथ एक बार इस फेस्टिवल सीजन में भी देखिए, आज कल दिवाली हमने मनाई, आज गोवर्धन पूजा, कल भैया दूज, तो मस्ती चल रही है, मिठाई चल रही है, तो आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। अब कोशिश करें कि हम आंखें ना खोलें, कुछ पल के लिए श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें, बिल्कुल सहज भाव से बैठ जाएं, जैसे आपको थैली रखना चाहें, घुटने पर रखना चाहें, ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखना चाहें, बिना हिले डुले कुछ पल के लिए श्वासों को देखिए बस। केवल ऑब्जर्व कीजिए श्वासों को आते जाते, ना उनको गहरा बनाना है ना लंबा बनाना है, बस जैसे भी आ रहा है आने दें उसको।
धीरे धीरे वापस आए, आंखें नहीं खोलनी, बिल्कुल रिलैक्स। आइए प्राणायाम की यात्रा, पहले कुछ सशक्त प्राणायाम, उसके बाद सहज प्राणायाम। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बुजुर्ग साथी या बीमार अगर कोई है, वो कोई भी क्रिया श्वास रोकने की ना करें, झटके वाली क्रिया ना करें। आइए भस्त्रिका प्राणायाम, इसी अवस्था में बैठे रहें, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, पांचों उंगलियां खोलें अधिक से अधिक, और इसमें झटके से नीचे लेकर आएंगे, कोहनी पीछे जाएगी, मुट्ठी बंद हो जाएगी, करेंगे फिर ऊपर 25 आवृत्तियां करेंगे जिसकी, लेकिन क्षमता को पुनः में रखकर करें जी, करें। इतनी शक्ति नहीं लगानी कि चेहरे की आकृति बिगड़े जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापिस आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आ जाए, रिलैक्स। 25 आवृत्तियां करने में एक मिनट का भी समय नहीं लगता, लेकिन आप ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस छोटी सी क्रिया से कैसे पूरे शरीर के अंदर गर्मी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जुड़िए इसके प्रभाव के साथ, अपने आप को बिल्कुल सामान्य होने दें। मौसम के बदलने वाले रोगों से हम हमेशा दूर रहते हैं, फेफड़े हमारे स्ट्रोंग बनते हैं, पूरी श्वसन प्रणाली हमारी दुरुस्त होती है, स्वस्थ होती है। लगातार प्रसन्नता, लगातार आनंद की अनुभूति, वज्रासन खोल लें, थोड़ा सा पांव को विश्राम दे दें, और फिर पद्मासन लगाएंगे जी। जो पद्मासन नहीं लगा पाए वो अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। थोड़ा सा अपने पांव को पहले बिल्कुल जब रिलैक्स हो जाए उसके बाद ही आपने पद्मासन लगाना है। अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम जी। कपाल भाती प्राणायाम, आपको पता है जितने भी योग गुरु हैं, भारतीय योग संस्थान तो है ही है, उसके अलावा जो बाद में भी खुले हैं, सभी का बहुत ही फेवरेट प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। तो इसका अभ्यास करेंगे जी हम। पहले 2 मिनट करेंगे, थोड़ा विराम लेंगे पहले, आपको बता दिया जाएगा, फिर 2 मिनट दोबारा करेंगे जी, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी है, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, आनंद पूर्वक श्वास को भरिए और मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, पुनः बाहर फेंकें। इस प्रकार से आवृत्तियों को दोहराते जाएं। 2 मिनट इसका अभ्यास करें जी, समय का मैं ध्यान रखूंगा, आपने आंखें नहीं खोलनी। श्वास के भरने में कोई प्रयास नहीं हो, कोई आवाज ना हो, श्वास एक ही बार में जो छोड़ना है झटके से छोड़ना है, करते जाए जी।
करते जाएं करते जाएं। कपाल भाति का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, कमर गर्दन सीधी है, मूल बंद लगाकर कर रहे हैं। आवृत्ति को पूरा करके एक बार विराम लेंगे आधा मिनट। और फिर उसके बाद पुनः इसका 2 मिनट और अभ्यास करेंगे जी। एक बार फिर से मन मनाइए, पुनः धीरे से श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरिए, मूल बंद लगाकर पुनः शक्ति लगाकर बाहर फेंकिए। करिए जी 2 मिनट और। चेहरे की आभा बढ़ाने वाला प्राणायाम, मस्तिष्क के सभी सेल्स को एक्टिव करने वाला प्राणायाम, हृदय को स्वस्थ बनाने वाला प्राणायाम, फेफड़ों को सक्षम बनाने वाला प्राणायाम, पूरे नाभि मंडल को प्रभावित करने वाला प्राणायाम करते जाएं जी। चेहरे पर लगातार सहजता प्रसन्नता आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, आंखें नहीं खोलनी, कमर गर्दन सीधी रखनी, सुंदर प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए कैसी फीलिंग हो रही है। सभी प्रयास करें कुछ नेचुरल एयर अगर संभव हो सके तो आती रहे जिस वक्त हम प्राणायाम कर रहे हैं। कोई खिड़की है, कोई दरवाज़ा है, ज़रूर खोलनी चाहिए हमें। अग्नि सार प्राणायाम पेट के लिए बहुत बढ़िया जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। धीरे से श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। एक बार पुनः धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ कीजिए। अब की बार अधिकाधिक श्वास बाहर करके मूलबंध लगाकर रोक दीजिए श्वास को बाह्य कुंभक में, और इसी अवस्था में अपनी नाभि को अंदर बाहर करते जाइए जी। नाभि को रीढ़ के निकट ले जाने की कोशिश, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर, फिर बाहर। ये बाहर श्वास को रोकने के बाद की जाने वाली क्रिया है। जब लगे नहीं हो पा रहा, श्वास को नहीं रोका जा रहा, फिर धीरे धीरे श्वास को भरिए, अपने आप को सहज कीजिए और इसकी
अगली आवृत्ति कीजिए, करिए जी, 3 से 4 आवृत्तियां और करेंगे इसकी। पाचन को बढ़िया बनाने के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है जी ये। मोटापे को घटाने के लिए भी बहुत ही कारगर है ये प्राणायाम। अग्नि सार कोशिश करें हम 5 से 7 बार तो अवश्य अपनी नाभि को अंदर बाहर कर पाए, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना अपने नाभि को, बिल्कुल आराम से सहजता से अंदर लेके जाना फिर छोड़ना, फिर अंदर लेके जाना, जितनी देर श्वास को बाहर रोक सकें, जितनी देर मूलबंध लगा सकें। बहुत बढ़िया जी, बहुत सब बड़ा अच्छा, सभी आँख बंद करके कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यही है, पूरे मन से कर रहे हैं। मुस्कान बनाकर रखिए जी, 1% से भी कम कैटेगरीज के लोगों में हमारा नंबर है, जो सुबह सवेरे हम योग साधना से जुड़े हुए हैं, सामूहिक योग साधना कर रहे हैं, अपने भाग्य के ऊपर खुश होइए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, महसूस करें प्रभाव को। बीच में अगर थकान लगे तो अपने पांव को खोल सकते हैं थोड़ा सा, जब सामान्य हो जाए, लेकिन जब भी आप पांव को खोलें तो कोशिश करें, जब प्राणायाम हम कोई ख़त्म कर रहे हैं बीच में, उसके बाद विश्राम जब बोला जाए उस वक्त आप पांव में हिलडुल करें। प्राणायाम के दौरान कोशिश कीजिए कि हम स्थिर रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, अंगूठे को रखेंगे दाई नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाई नासिका पर, अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, करिए जी, 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे जी। समय का ध्यान मैं रखूंगा, पूरे सहजता से हर श्वास को देखते हुए कीजिए, और फिर देखना 5 मिनट के बाद कितनी विशेष अनुभूति आपको होगी। पूरे विश्वास के साथ करते जाएं जी। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, मुस्कान बनाकर रखें, पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर हो, छोड़ते हुए श्वास पर, भरते हुए श्वास पर। हर आवृत्ति में
ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर से मिलती हुई विशेष ऊर्जा को महसूस कीजिए। करते जाए करते जाए, बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। श्वास की आवाज़ नहीं, संभव हो मूल बंद लगा रहे, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे सरल प्राणायाम, बहुत ही सहज प्राणायाम, अपनी व्यक्तिगत साधना में कोशिश करें 10 मिनट, 12 मिनट, किसी दिन समय ज़्यादा हो 15 मिनट तक इसका अभ्यास करें। गैप लेकर कर सकते हैं, 5 मिनट का एक बार किया, फिर गैप लिया, फिर 5 मिनट किया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। आवृत्ति को लेफ्ट साइड से पूरा करते हुए वापस आएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, प्रभाव के साथ जुड़ेंगे। जब वापस आकर हम अपनी मन स्थिति को देखते हैं, वो उसी प्राणायाम का विशेष हिस्सा होता है, इसलिए उसको आपने पूरी तरह से फॉलो करना है। मंद मंद मुस्कान, लगातार रीढ़ गर्दन लगातार सीधी। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 6 आवृत्तियाँ करेंगे इसकी। पुनः क्षमता को ध्यान में रखकर गुंजन मधुर हो, आगे की दोनों उंगलियाँ आँखों पर रखिए, नीचे की दोनों उंगलियाँ होठों पर रखिए। मूल बंद लगाकर करें, जीवा को तालु पर लगाकर करें, अंगूठे से कान बंद करें और मधुर गुंजन प्रारंभ करें।
चक्रवर्ती को पूर्ण करते हुए आएंगे वापस, आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। तनाव दूर होता है, नींद बड़ी आती है, बुद्धि शार्प बनती है, बहुत ही लाभकारी है प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को इसका अभ्यास करवाइए, बहुत ज़्यादा उनको फायदे होंगे। बुजुर्ग साथी इसका अभ्यास करेंगे, तनाव से दूर रहेंगे, नींद बहुत बड़ी आएगी जी। तो हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हुआ, सुंदर प्राणायाम का आपने अभ्यास किया। अपने पाँव को थोड़ा सीधा करना चाहें कर सकते हैं आप, ताकि अभी हम जो ध्यान करेंगे 12-14 मिनट हमारे पास और हैं, सभी का साथ चाहिए। ठीक 7:15 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा, अगले 10-12 मिनट आप बिना हिले डुले बैठ पाएं, ऐसा मन बनाइए जी। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे उसमें बैठेंगे, प्रभु को पुकारेंगे। आज विशेष दिन है, गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण का दिन। कल भी हमने इतना बड़ा त्यौहार दिवाली बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे ढंग से मनाई, और आने वाला दिन भी बहुत बड़ा त्यौहार भैया दूज। तो आइए उस प्रभु का नाम लें पूरे परिवार के साथ, भरेंगे श्वास, ओम ध्वनि सभी मिलकर बोलेंगे, पूरे भाव के साथ बोलेंगे, भरिए श्वास।
शांत, कुछ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का संकीर्तन करेंगे सब मिलकर। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे 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 हरे। बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल प्रभु का ध्यान करें, प्रभु को अपने साथ पाएं और इस आनंद में खो जाएं।
का ये आशीर्वाद हम सब के ऊपर सदैव यूँ ही बना रहे। प्रतिदिन हम यूँ ही प्रभु के साथ कुछ समय निकालें, उनका सानिध्य मिले, उनका साथ मिले। प्रभु को हृदय में धारण कीजिए। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए आज की कक्षा को विराम देते हैं। एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। जो विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर मुखमंडल पर धारण करेंगे। कोमलता से नेत्र को खोलेंगे। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद। आज की हमारी युवा साधिका प्रियल का कोटि कोटि धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद। इसी प्रकार इनका पूरा परिवार हम सभी के साथ यूँ ही योग से जुड़ा रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। आप सब भी इसी प्रकार जुड़े रहे ऐसी कामना करते हैं। एक बार फिर से आपको दिवाली के इस जो पर्व हमारा गया उसकी एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी हमारी क्लास ठीक 5:45 बजे होगी, ज़रूर प्रयास करें। बाकी YouTube पर है, समय से ना जुड़ पाएँ बाद में जुड़ें, कोशिश करें साधना हमारी निरंतर हो, पूरे समय के लिए हो। सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए एक आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।